नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। धुले, जयंत पाताल की ईडी जांच का एनसीपी ने किया विरोध। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों, ईडी जैसे तंत्र का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में ईडी ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाताल को पूछताछ के लिए तलब किया। इसके खिलाफ शहर जिला अध्यक्ष रंजित राजे भोसले के नेतृत्व में धुले शहर एनसीपी पार्टी ने कलेक्टर को बयान दिया। लोकतंत्र में एक व्यवहार विपक्षी दल और उसकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज देश में खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों और महाराष्ट्र में विपक्षी की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। दुर्भाग्य से यह लोकतांत्रिक मूल्यांकनों को रोककर सत्ता के दुरुपयोग की ओर से जाता है। विपक्षी दलों को दबाने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा ईडी, सीबीआई, एनसीआई, बी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हें 13 महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन जांच में पता चला कि यह सच नहीं था। पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी कुछ गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ नेता हसन मुशफी से भी पूछताछ की गई। व्यवस्थाओं का यह दुरुपयोग न केवल एनसीपी बल्कि अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी हो गया है। दाम, जुर्माना, भेदभाव, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए गैर बीजेपी राज्यों में बीजेपी की गतिविधियों को पूरे देश ने देखा है। राजनीति खेलकर और विधायकों को अगवा कर राज्यों में सरकारों को गिराने के ऐसे प्रयोग चल रहे। महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान सरकार को बॉक्स सरकार के नाम से जाना जाता है। विपक्षों को खत्म करने की ऐसी विनाशकारी राजनीति और देश में प्रदेश के हित में नहीं है। कर्नाटक के हालिया चुनाव में देखा जाए तो जनता ने ऐसी राजनीति को खारिज कर दिया है। आने वाले समय में यही तस्वीर देश और महाराष्ट्र में देखने वाले है कि विपक्ष के दमन का लोकतांत्रिक विरोध स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र को बनाए रखने और संविधान निर्माताओं द्वारा अपेक्षित लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हमें इस स्थिति से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत कराना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनसीपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यातील भाजप सरकार ने या ठिकाणी ईडी सारख्या यंत्रणेचा गैरवापर सुरू करून या ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या जे काही नेते आहेत त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतायत। या संदर्भामध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जयंतराव पाटील साहेब यांना समन्स देऊन चौकशीला हजर करण्यात येत आहे। या संदर्भामध्ये धुळे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येत आहे। आपण पाहतोय की काही दिवसापासून ईडी सारख्या यंत्रणेचा गैरवापर करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। मागेही आपण पाहिलं, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब यांना 100 कोटीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली, पण त्याच्यामध्ये कोर्टात काही निष्पन्न झालं नाही। नवाब मलिक साहेब यांच्या संदर्भामध्ये कुठलेही पुरावे सादर करण्यात आले नाही। एकनाथरावजी खडसे साहेब यांच्या जवळना बेकायदेशीर अटक करण्यात आली। अशा विविध प्रकारांमध्ये हे सरकार जे आहे ईडीचं हे तोंडावर पडलेलं आहे। या संदर्भामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आम्ही निषेध करतो आणि ही जी ईडीची कारवाई आहे तिचा गैरवापर आहे, त्वरित थांबावा। या संदर्भामध्ये आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती, पेपर बंटवारे को लेकर यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदर्भ साइंस कॉलेज में 20 मई को हुई पेपर बंटवारे की घटना को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। जो भी दोषी है उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि वह भाजपा का पदाधिकारी है या नहीं। जहाँ भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया गया था, वही कुछ ही घंटों में आरोपियों को नोटिस देकर रिहा कर दिया था। यूथ कांग्रेस का दावा है कि इस मामले के तीनों आरोपी को बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ और राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया गया। इसलिए पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय ने युवा कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता में किसी दबाव में न आकर इस मामले की गहन जांच की मांग की है। दिनांक 20 मई रोजी अमरावती VMBA परीक्षा केंद्रावर लॉ ट्रस्ट या कायद्याचा जो विषय झालेला आहे पेपर फुटीचा, यामध्ये युवक काँग्रेसतर्फे आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली। यामध्ये आमची अशी मागणी आहे की सदर
परीक्षा केंद्र प्रमुखांनी तिथून जो पोलिसांना अहवाल पाठवला हा फक्त कॉपीचा अहवाल पाठवलेला आहे, मात्र हे प्रकरण व्हॉट्सअपवर पेपर लीक झाल्यामुळे अत्यंत गंभीर असं पेपर फुटीचं प्रकरण आहे। त्यामुळे याची चौकशी पेपर फुटीच्या अनुषंगाने करण्यात यावी व संबंधित दोषींवर जे कोणी दोषी असतील ते भाजपचे पदाधिकारी असो की तिथली परीक्षा घेणारे जे आहेत प्रशासन ते असो यांनी कोणाच्या दबावाखाली येऊन हे सगळं होऊ दिलं, म्हणजे एका खोलीतला विद्यार्थी दुसऱ्या खोलीत आणि व्हॉट्सअपवर पेपर बाहेर जाऊन उत्तर आतमध्ये आली हा अत्यंत गंभीर प्रकार घडलेला आहे, याची सखोल चौकशी व्हावी अशी आमची युवक काँग्रेसतर्फे मागणी आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, जयंत पाटील शामिल नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं उपमुख्यमंत्री। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने श्रम मंत्री के साथ आज एक अहम मुद्दे पर बैठक की। ई श्रम पोर्टल में अधिकतम संख्या में श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा। मुंबई में कई जगहों पर अस्पताल शुरू किए जाएंगे। पश्चिम घाट में बचे काम पर फैसला लेने के लिए 31 को बैठक होगी। जयंत पाटील के शामिल न होने पर डरने की कोई वजह नहीं है। मला असं वाटतं की या संदर्भात मी एवढंच सांगेन, केंद्रीय यंत्रणा असतील, राज्याच्या यंत्रणा असतील, ते आपलं काम करत असतात। त्यांच्याकडे काही माहिती असेल किंवा त्यांच्याकडे काही त्या संदर्भातले केस असेल एखादी, म्हणून त्यांना बोलवलं असेल। समजा जयंत पाटलांचा काही सहभाग नसेल तर त्यांना काही घाबरण्याचं कारण देखील नाहीये। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ TAZ डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद एक ही गादे शुरू दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही अमेज़न न्यूज़ TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।